हेलो गाइस, वेलकम बैक टू BFT फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो सीरीज़ शुरू होने वाली है कल से, ODI सीरीज़। 3 मैच होंगे गाइस इसके। काफ़ी सारी आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी, स्पेशली हेड टू हेड स्पेशल और ग्रैंड लीग उसके वेन्यू स्पेशल, जो आपको एक श्योर शॉट टीम बनाने में हेल्प करेंगे। बात करते हैं गाइस 3 मैच होने वाले हैं जो, उनमें से ये वाला मैच है सबसे पहला, फर्स्ट ODI। ये गाइस कब होगा? कल होगा, यानी 17 नवंबर को। टाइमिंग गाइज इसकी हमारे यहाँ के हिसाब से सुबह 8:50 पर रहेगी, तो ध्यान रखिएगा 8:20 पर इसका टॉस हो जाएगा। 8:15 तक इसका टॉस हो जाएगा, 8:50 पर मैच शुरू हो जाएगा। बाकी ये दो मैचेस हैं, आगे हम इनकी बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं गाइज वेन्यू कौन सा रहने वाला है। वेन्यू गाइज है एडिलेड ओवल, जहाँ पर इंग्लैंड ने अभी इंडिया को वन साइडेड हराया था, जो कि T20 वर्ल्ड कप का मैच था। लेकिन ये है गाइस ODI, यहाँ पर 4 नहीं बॉलर को 10 ओवर मिलते हैं, यहाँ पर 20 ओवर नहीं, यहाँ पर 50 ओवर होते हैं, तो चांसेस दोनों ही टीम के पास अच्छे खासे होते हैं और ODI ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छा होता है। बात करें गाइस जो लास्ट मैच यहाँ पर हुआ था, उसमें हमने क्या देखा था कि जो टीम टॉस जीती थी उसने ली थी बैटिंग। 2019 के अंदर हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग ली थी, 298 रन्स बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर इंडिया ने उसको चेस करा था 299 4 विकेट के नुकसान पर, चेस आराम से हो गया था, 4 ही विकेट गिरे थे, तो कह सकते हो कि आराम से ही हो गया होगा, क्योंकि पहली पारी में 9 विकेट लगे थे 298 रन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। उस मैच में, इस वाले मैच में हमने क्या देखा था कि पहली पारी में राइट आर्म पेसर्स जो हैं उनको 7 विकेट मिले थे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को सिर्फ 1 विकेट मिला था। वहीं दूसरी पारी में हमने देखा राइट आर्म पेसर्स को 3 विकेट मिले थे, जो राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है उसको 1 विकेट मिला था। इन शॉर्ट जो लास्ट ODI मैच हुआ था उसमें 10 विकेट मिले थे पेसर्स को और 2 विकेट मिले थे स्पिनर्स को, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो लास्ट यहाँ पर 4 से 5 मैचेस हुए हैं टोटल, ओवरऑल रिकॉर्ड यहाँ का क्या कहता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा राइट आर्म पेसर्स को मदद मिलती है, नंबर 2 पे है लेफ्ट आर्म पेसर्स, उनको मदद मिलती है, उसके बाद जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स हैं उनको मदद मिलती है, फिर राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर्स को, फिर लेग स्पिनर्स को, सबसे नीचे आते हैं लेग स्पिनर्स। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये फॉर्मेट ग्राइंड लीग में बहुत काम में आएगा, क्योंकि देखो 10 ओवर बॉलर को मिल रहा है तो जाहिर सी बात है बॉलर भी कैप्टन वाइस कैप्टन का बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि अगर बाद में उसकी टीम कोलैप्स हो गई तो थोड़ी बहुत वो हिटिंग भी कर लेगा। बात करते हैं जब दोनों टीम आपस में खेलती हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, तो लास्ट 5 ODI का रिकॉर्ड यहाँ पर देख सकते हो, 3 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, वहीं 2 मैच इंग्लैंड ने जीते हैं। बात करते हैं गाइस स्क्वाड की, तो अपने सामने गाइस आप स्क्वाड देख सकते हो, ये बैटिंग बॉलिंग फॉर्म है, ये आप पढ़ लेना, मैं बताऊँगा नहीं पढ़ के। पैट कमिंस, सीन अबॉट, एस्टन आगर, एलेक्स कैरी, कैमरॉन ग्रीन, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मानस लबुशने, मिशेल मार्श, स्टीवन स्मिथ, मिशेल स्टार्क, मार्कस टोनिस, डेविड वॉर्नर, एडम जंपा, ये गाइज इनका कंप्लीट स्क्वाड है। प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है वो आगे आपको मैं भी बता दूंगा, लेकिन ये कंप्लीट स्क्वाड है टीम का। ठीक है, बात करेंगे इस यहाँ से इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड का आप देख सकते हो, इंग्लैंड देख सकते हो यहाँ से, जॉस बटलर कैप्टन इस टीम के, इस टीम के कैप्टन कौन है ODI सीरीज़ के, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के, मोइन अली हैं, सैम बिलिंग्स हैं, सैम करन, लियाम डॉसन, क्रिस जॉर्डन, डेविड मालान, आदिल राशिद, जेसन रॉय भी हैं, फिलिप सॉल्ट भी हैं, ओली स्टोन, जेम्स विंस, डेविड विली, क्रिस वॉक्स, ल्यूक वुड, तो भाई इंग्लैंड की टीम भी कम नहीं बैठ रही है, काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है इंग्लैंड की टीम भी। यहाँ से गाइस हम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे बात करेंगे हमारे, जो कि है हेड टू हेड स्पेशल्स, यानी लास्ट 5 मैचेस में से जो हेड टू हेड स्पेशल्स निकल गए हैं। ओवरऑल वाले तो ये है कि हम बताएंगे आपको ज़रूर, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितना इफेक्टिव आपके लिए ये जानना है। अब लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखें, जब ये देखें तो ये ना देखें कि प्लेयर ने सिर्फ परफॉर्मेंस किया है, प्लेयर फ्लॉप नहीं हुआ है, प्लेयर फ्लॉप भी हुए वो फ्लॉप परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है हेड टू हेड स्पेशल सेक्शन। यहाँ पर आप देखो इंग्लैंड ने क्या किया है, क्रिस वॉक्स ने पहली पारी में 2 विकेट निकाले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, पहली पारी में फिर 3 विकेट निकाले दूसरे मैच में, फिर 3 विकेट निकाले, फिर 2 विकेट निकाले हैं दूसरी पारी में, यानी हर मैच में कंसिस्टेंटली क्रिस वॉक्स ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट विकेट निकाले हैं। आदिल राशिद ने 3 विकेट निकाले हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, सैम बिलिंग ने 118 किया दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और 57 रन किए हैं पहली पारी में। बात करें ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स की, तो मिशेल मार्श ने देखो स्पेशल परफॉर्मेंस क्या था इनका, 4 विकेट दूसरी पारी में, 1 विकेट दूसरी पारी में और 2 विकेट पहली पारी में इंग्लैंड के अगेंस्ट। डेविड वॉर्नर ने 53 रन किए, ये इनका स्पेशल परफॉर्मेंस था इंग्लैंड के अगेंस्ट। स्टीवन स्मिथ ने
86 रन किए स्पेशल इंग्लैंड के अगेंस्ट, एलेक्स कैरी ने 86 किया और 106 किया स्पेशल इंग्लैंड के अगेंस्ट, जेसन रॉय ने 85 दूसरी पारी में किया इंग्लैंड के अगेंस्ट, ये इनका स्पेशल स्कोर है, मतलब हाईएस्ट कह सकते हो। पैट कमिंस ने एक विकेट लिया दूसरी पारी में इंग्लैंड के अगेंस्ट, मिशेल मार्श ने 73 किया पहली पारी में इंग्लैंड के अगेंस्ट, स्पेशल परफॉर्मेंस। एडम जंपा ने देखो 4 विकेट लिए दूसरी पारी में इंग्लैंड के अगेंस्ट, 3 विकेट पहली पारी में और फिर 3 विकेट पहली पारी में। जॉश हेजलवुड ने 3 विकेट दूसरी पारी में लिए हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट, ये इनका स्पेशल परफॉर्मेंस है। मानस लबुश ने 48 किया है दूसरी पारी में, ये इनका स्पेशल परफॉर्मेंस है। अब ये चीज़ समझ गए होगे जब मैंने बोला स्पेशल परफॉर्मेंस है कि ये इनका सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस है, अदरवाइज ये जीरो भी इन लोगों ने किया है ना, विकेटलेस भी गए हैं, बैटर्स बिना रन के भी गए, लेकिन ये स्पेशल है। तो आपको स्पेशल के मतलब मैं हमेशा कहता हूँ मेरी वीडियो में जिसने हेड टू हेड स्पेशल और वेन्यू स्पेशल क्रैक कर लिया ग्राइंड लीग उसकी हो गई समझ लो कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि वहीं से निकलते हैं है ना, और प्लेयर्स भी वहीं से निकलते हैं ग्राइंड लीग वाले सारे, क्योंकि सारे यार आप ग्राइंड लीग प्लेयर होते क्या हैं, कुछ नहीं होता ग्राइंड लीग प्लेयर भाई, 7-4 का कॉम्बिनेशन बनाओगे अगर टीम में, मैं कह रहा हूँ 8 प्लेयर तो आप भाई कॉमन रखने ही पड़ेंगे है ना, क्योंकि आप किसको छोड़ दोगे, 3 पे रिस्क ली जाएगी 4 पे रिस्क ली जाएगी, तो वो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन वहाँ पर आपके हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ से गाइस हम बात करेंगे ओवरऑल हेड टू हेड की, जब दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो आप प्लेयर्स का परफॉर्मेंस यहाँ से देख सकते हो। आदिल रशीद ने 24 मैच में 42 विकेट लिए, मिचेल स्टार्क ने 19 मैच में 31 विकेट लिए, क्रिस वॉक्स 19 मैच में 30 विकेट है, मोइन अली 22 मैच में 28 विकेट है, पैट कमिंस 17 मैच में 26 विकेट है, मिचेल मार्श 16 मैच में 18 विकेट, जॉश हेजलवुड 10 मैच में 14 विकेट, यहाँ से एडम जंपा 8 मैच में 12 विकेट। मेरे घर पे जियो फाइबर लगा हुआ है फिर भी मुझे मैसेज आते हैं दिन में 2 बार के गेट जियो फाइबर। एडम जंपा 8 मैच में 12 विकेट, क्रिस जॉर्डन 7 मैच में 10 विकेट, डेविड विली 7 मैच में 11 विकेट, सैम करन 2 मैच में 5 विकेट, जॉस बटलर 31 मैच में 938 रन किए हुए, जेसन रॉय 20 मैच में 868 रन है, स्टीवन स्मिथ 30 मैच में 864 रन है, डेविड वॉर्नर 24 मैच में 676 रन है, एलेक्स कैरी 8 मैच में 313 रन है, मोइन अली 22 मैच में 271 रन है, सैम बिलिंग्स 4 मैच में 194 रन है, मानस लबुशेन 3 मैच में 89 रन किए हुए हैं, सैम करन 2 मैच में 16 रन है केवल, मार्कस टोने 16 मैच में 365 रन है। तो ये गाइस है इनका ओवरऑल हेड टू हेड जब ये दोनों आपस में खेलते हैं। तो बात कर लेते हैं जहाँ कल मैच होने वाला है उस पे, तो जिन प्लेयर्स ने खेला है इस वेन्यू के ऊपर एडिलाइड पे, तो उनका मैं आपको स्टैट्स यहाँ से बता देता हूँ। पैट कमिंस 4 मैच में 9 विकेट निकाले हुए हैं, एलेक्स कैरी 2 मैच में 65 रन किए हुए हैं इस वेन्यू के ऊपर, जॉश हेजलवुड इस वेन्यू पे 4 मैच में 10 विकेट निकाले हुए हैं, ट्रेविस हेड 3 मैच में 232 रन किए हुए हैं, स्पेशल परफॉर्मेंस है क्योंकि उसका रीज़न है इनका होम ग्राउंड है ये एडिलाइड, मिचेल मार्श एक मैच में 32 रन किए हुए हैं इस वेन्यू के ऊपर, स्टीवन स्मिथ 5 मैच में 127 रन किए हुए हैं इस वेन्यू के ऊपर, मिचेल स्टार्क 5 मैच में 9 विकेट लिए हुए हैं। मिचेल स्टार्क का मैं मतलब इन पर इतना ध्यान नहीं देता था, फिर बाद में जब मुझे पता चला वुमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में ये एलिसा एली के हस्बैंड है, तब मुझे पता चला, तब फिर से मैंने इनको ध्यान दिया। अब फिर बाद में मुझे ये भी पता चला कि जो ऑस्ट्रेलिया वुमेंस की टीम है वो इतनी टॉप नॉच क्यों उनकी बोली है, बिकॉज इन्होंने भी काफ़ी सारी गाइडेंस उनको दी है ना वहाँ के प्लेयर्स को, तो इस वजह से। मार्कस टोनिस 3 मैच में 4 विकेट है इस वेन्यू के ऊपर, डेविड वॉर्नर 7 मैच में 343 रन है इस वेन्यू के ऊपर, एडम जंपा 3 मैच में सिर्फ 1 विकेट है इस वेन्यू के ऊपर। बात करते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स की इस वेन्यू पे कैसा परफॉर्मेंस है, तो जॉस बटलर तो भाई सीधी बात है अटके हैं यहाँ पर ओडीआईस के अंदर, 0 किया 65 किया दूसरी पारी में 5 रन किए, यानी 3 मैच में 70 रन किए हैं। मोइन अली 33 प्लस विकेटलेस, 19 दूसरी पारी में प्लस विकेटलेस इस वेन्यू के ऊपर, क्रिस जॉर्डन एक भी मैच विकेटलेस नहीं किया, 2 मैच खेले दोनों में ही 2-2 विकेट इसने निकाले हैं। आदिल राशिद एक ही मैच खेला 3 विकेट निकाले उसमें दूसरी पारी में। यहाँ से गाइस क्रिस वॉक्स ने इस वेन्यू पे अच्छा किया है और वो भी बैटिंग से किया है, तो सबसे पहले तो आपको एक दिमाग ये लगाना चाहिए कि अगर क्रिस वॉक्स ने बैटिंग से अच्छा किया है जो कि एक फुल टाइम बॉलर है, तो आप समझ सकते हो इंग्लैंड यहाँ पर कोलैप्स हुई होगी है ना, उसी सिचुएशन में इसने बैटिंग से अच्छा किया होगा। तो 78 रन किए और 1 विकेट निकाला, फिर दूसरी पारी में यहाँ पर 42 नॉट आउट किया है और विकेटलेस किया है, तो भाई बहुत बड़ी बात होती है एक बॉलर आके 78 और 42 की पारी खेले है ना। तो ये था गाइस वेन्यू स्पेशल वेन्यू परफॉर्मेंस प्लेयर्स का। अब यहाँ से गाइस एक चीज़ और, मैंने गाइस जो आपको ये वेन्यू परफॉर्मेंस प्लेयर्स का बताया ये इंपॉर्टेंट है ठीक है, प्लस ये जो हेड टू हेड स्पेशल सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कोई ग्राइंड लीग का प्लेयर निकाल के बताने वाला नहीं हूँ कि कैप्टन वाइस कैप्टन किसको देना है, क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन आपको देना है हेड टू हेड स्पेशल्स प्लेयर को
है ना, इन्हीं को, इनमें जिसका स्टैट जिसका डाटा आपको दिख रहा है सामने, इनमें से जो जो स्पेशल प्लेयर्स हैं उनको आपको देना है, उसी सिनेरियो के हिसाब से देना है, पहली पारी दूसरी पारी, है ना। और ये गाइस जो वेन्यू परफॉर्मेंस है, देखो दोनों की कॉमन मैच में क्या होता है, अगर आप हेड टू हेड और वेन्यू दोनों को मिक्सचर करके अच्छे कॉम्बिनेशन अपने बना लोगे, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन जिनका ज़्यादा अच्छा है रिकॉर्ड, सबसे अच्छा है उनको कैप्टन करो, है ना। जिनका थोड़ा सा वीक है पर उनमें पोटेंशियल है, प्लेयर है, अब जैसे जॉस बटलर है भाई, इसका डाटा यहाँ पर, इसका रिकॉर्ड यहाँ पर कुछ नहीं है, 3 मैच में 70 रन किए, लेकिन अब मुझे पता है कि यार मुझे एक डर ये भी है कि ये फ्लॉप होगा, मतलब अटकेगा, फ्लॉप होना कहना गलत बात है, फैंटेसी में हम लोग बोल देते हैं, लेकिन ये गलत है बोलना ऐसा, ये यहाँ पर अटकेगा, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अटकेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ टीम में तो उसको कैप्टन दे दूँगा, एक दो टीम, तीन टीम में, है ना, बाकी टीम में मैं इसको वाइस कैप्टन दे दूँ। तो ऐसे जो आपको प्लेयर्स लग रहे हैं कि मतलब पोटेंशियल तो है, क्षमता तो है अच्छा करने की, टैलेंट है, लेकिन वहाँ पर वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, या आपस में जब खेलते हैं हेड टू हेड में अच्छा नहीं है, तो ऐसे प्लेयर्स को आप वाइस कैप्टन कर सकते हो। बाकी गाइस आई होप आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। अब देखो जो मैंने आपको बोला है उस पर ध्यान देना, सबसे पहले एक ये सेक्शन जो है इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर किसको कैसे मदद मिलती है, ठीक है, स्कोरिंग भी यहाँ पर ठीक ठाक हो जाती है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। और जो मैंने आपको यहाँ पर हेड टू हेड स्पेशल बताए हैं इस पर ध्यान देना, इस वेन्यू के ऊपर परफॉर्मेंस किसका कैसा है इस पर ध्यान देना, आप खुद ही अपने निकाल लोगे। मैं आपको 2-4 प्लेयर अगर बता दूँ इसको कर दो इसको कर दो इसको कर दो, तो वहाँ से आपका माइंड सेट बिगड़ जाएगा, आप फिर उन्हीं प्लेयर के बेसिस पे, और पता है जब कोई बता देता है ना, तो जब हम अपनी टीम्स बना रहे थे तो फिर हम किसी भी टीम में से उसको नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो हमें किसी ने बताया है कि यार ये तो करेगा ये तो मचाएगा, है ना। तो ये चीज़ मत करना, आप खुद सामने, मैंने पूरा पढ़ के आपको बता दिया है, समझा दिया है, अब आप अपना फाइनल कॉल लें। बाकी देखो एक चीज़ और, इस मैच से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो कल सुबह तक, मतलब कभी भी कर सकते हो, मैं तो काफ़ी एक्टिव रहता हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो आप जब भी कमेंट यहाँ पर करोगे तो कुछ पूछना हो इस मैच से रिलेटेड, तो उसका आंसर आपको मैं यहाँ पर दे दूँगा। बाकी का इस फाइनल टीम जो भी होंगी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो इस वीडियो के नीचे जैसे ही कमेंट पर क्लिक करोगे सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगी माय मास्टर 11 की, माय मास्टर 11 को डाउनलोड करें, अच्छा खासा वहाँ पर कमाएँ आप, स्पेशली जो ग्रैंड लीग प्लेयर्स हैं वहाँ पर खेलें तो अच्छी खासी विनिंग है, फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इंस्टेंट विड्रॉल वगैरह भी अवेलेबल है आपके लिए, 50 रुपीज़ मिनिमम विड्रॉल है ना, 50 रुपये निकाल सकते हो इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में, और जो है एंट्री फीस भी काफ़ी वहाँ पर सही है, कमीशन जो लगता है बहुत कम लगता है, विनिंग सेम है दूसरे एप्लीकेशन जैसी, तो आप ट्राई कर सकते हो, उसी के नीचे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज़।